आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरा हरदोई जिला योगमय हो गया। जिले में प्रमुख रूप से योग दिवस का आयोजन शहर के गांधी भवन परिसर तथा कलेक्ट्रेट परिसर एवं शहीद उद्यान में किया गया। योगा वेलनेस सेंटर सहित सभी तहसील ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शिक्षा संकुल पर किया गया। आज सुबह 7 से 8 बजे तक पूरा जनपद योगमय दिखा। गांधी भवन परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद रहे और उनके साथ जिलाधिकारी पुलकित खरे तथा पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र व मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार तथा भाजपा जिला अध्यक्ष किशन शास्त्री, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र तथा भाजपा नेता पीके शर्मा अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में मौजूद बच्चों ने योगाभ्यास किया। यहाँ के नोडल अधिकारी DDO राजित राम मिश्र पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था में लगे रहे। पतंजलि के प्रमुख योग शिक्षक हरिवंश सिंह के नेतृत्व में यहाँ योग कराया गया। उनके साथ पतंजलि की पूरी टीम सहयोग में लगी रही। कलेक्ट्रेट परिसर में नोडल अधिकारी ADM विमल कुमार अग्रवाल, जिला सूचना अधिकारी मौजूद रहे। शहीद उद्यान में SDM सदर सर्वेश गुप्ता व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद की मौजूदगी में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री योग दिवस के मुख्य अतिथि अनिल राजभर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर आज पूरा देश व पूरा प्रदेश योग उत्सव मना रहा है। योग दिवस पर राजकीय इंटर कॉलेज व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तथा श्री बेनी माधव इंटर कॉलेज एवं RR इंटर कॉलेज तथा सनातन धर्म इंटर कॉलेज ने भी योग का आयोजन किया। सर, योग के माध्यम से जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के पहल पर आज योग को पूरा दुनिया अंगीकार कर रही है। भारत का कोई भी नागरिक ऐसा न बचे जो योग ना करे। आज मुझे मैं देख रहा हूँ, सुबह से लखनऊ से मैं चला हूँ और रास्ते पर कहीं गांव में भी और कहीं भी छोटी छोटी जगह पर भी 10 बरस के छोटे छोटे बच्चे भी सब लोग जैसे लग रहा है कोई त्यौहार सा है। तो निश्चित तौर पर एक बार हम लोग फिर दुनिया का नेतृत्व करते हुए दिख रहे हैं और बहुत ये शुभ पहल है प्रधानमंत्री जी आने वाले और